नमस्कार छात्रों छात्राओं, आज मैं इस वीडियो में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में चर्चा करूंगा, जिसे सामान्यतः भाषा में न्यूनेटल जॉन्डिस भी कहते हैं। ये न्यूनेटल जॉन्डिस क्यों होता है, इसके कारण क्या है। जैसा कि हम आपको बता दें कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने पूरा बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म को बताया है, लेकिन यहाँ पे केवल मैं ये बताना चाहूंगा कि ये न्यूनेटल जॉन्डिस और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चों में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस या न्यूनेटल जॉन्डिस क्यों होता है, तो उसका कारण मुख्य रूप से एक है कि जो है बच्चों में सबसे ज्यादा जो है आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। मतलब बच्चों में आरबीसी की संख्या का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और लीवर इमेच्योर होता है, लीवर उतना डेवलप नहीं होता है। तो जब लीवर उतना डेवलप नहीं होता है तो लो एक्टिविटी या लीवर एंजाइम। और कौन सी एंजाइम की लो एक्टिविटी होती है, जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को लीवर में कंजुगेटेड बिलिरुबिन में बदलता है, उसका नाम है बिलिरुबिन यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज। क्या नाम है? बिलिरुबिन यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम की लैक एक्टिविटी होती है, जिसके वजह से जो है प्रॉपर कंजुगेशन नहीं। एक तो सबसे ज्यादा बन भी रहा है और एंजाइम की भी कमी है, दूसरा है एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी या आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, इसके कारण भी होता है। तीसरा है इन्फेक्शन, चाहे बैक्टीरियल हो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, इन सब के केस में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। अब जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो सबसे ज्यादा क्या बनता है? अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बनता है जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है और सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। और इसी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के बढ़ने से शरीर में जॉन्डिस होती है। और जब इसका लेवल 4 से 8 mg/dL होता है तो फेस पे दिखाई देता है, जब 5 से 12 mg/dL होता है तो अपर ट्रंक पर दिखाई देता है, छाती पे दिखाई देता है, और जब 8 से 16 mg/dL होता है तो लोअर ट्रंक पे, मैंने एब्डोमेन पे और थाई पे दिखाई देता है, और जब 11 से 18 mg/dL होता है तो आर्म में, हाथों में तथा लोअर लेग पे दिखाई देता है, और जब 15 mg/dL से अधिक होता है तो ये क्रिटिकल वैल्यू होती है। मतलब इससे अधिक होगा तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके बिलिरुबिन इंसोफिलोपैथी उत्पन्न कर देगा, और इसको बोलते हैं कर्निक्टरस की कंडीशन। चाहे बिलिरुबिन इंसोफिलोपैथी बोलिए चाहे कर्निक्टरस की, इसमें होता है ब्रेन स्टेम की न्यूक्लियोलाई और सेरिबेलम पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके वजह से सीजर्स आने लगते हैं। फेज वन में ये सीजर 3 फेज में आएंगे। पहले फेज वन में बच्चा एकदम खाना, मतलब पुअर फीडिंग, बिल्कुल खाना कम खाएगा, मतलब जो है पुअर फीडिंग, खाना तो बच्चा खाता नहीं, न्यूनेटल मतलब दूध या लिक्विड डाइट जो है बहुत कम लेगा। दूसरा जो है डिक्रीज अलर्टनेस, बिल्कुल अलर्टनेस डिक्रीज, लिथार्जी जैसा हो जाएगा, और हाइपोटोनिया जो फ्लैसिड हो जाएगा, हाइपोटोनिया हो जाएगा। सेकेंड फेज में क्या होगा कि मसल स्पाज करेंगी पीछे साइड की, इसी नाते इसको रेट्रोकोलिस बोलते हैं, रेट्रो माने पीछे की मसल एकदम स्पाज करेंगी, और फिर ऑफिस थोर टोनस माने धनुषाकार बच्चा हो जाएगा, जैसे जो है धनुषाकार एकदम इस तरह से ऐसे हो जाएगा। उसके बाद फेज थर्ड में फिर एकदम हाइपोटोनिया हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, बिल्कुल एकदम लगेगा कि अब मर जाएगा, इस टाइप का लगेगा। तो इस कंडीशन ये जो है, फिर उसके बाद जो है अब क्या ये चीज न डेवलप हो, इसी नाते क्योंकि लीवर उतना काम कर नहीं पा रहा है, लीवर के एंजाइम भी उतना एक्टिव नहीं है, तो इस कंडीशन को अब कैसे मैनेज किया जाए, तो एक फोटोथेरेपी से मैनेज किया जाता है। लेकिन ये फोटोथेरेपी क्या करता है, जैसा कि आपको बता दें
हमने पिछले वीडियो में बताया था, जब 7 से 8 जो है मिलीग्राम जो है पर डीएल बिलिरुबिन हो जाता है तो स्किन में आता है, मतलब विजुअल होता है, विजुअल रहता तो हमेशा है, सर्वव्याप्त रहता है, बिलिरुबिन जब बढ़ेगा पूरे ब्लड में रहेगा, लेकिन विजुअल कब होगा, जब ज्यादा मात्रा में होगा। तो जब विजुअल होता है तो हम जब इसको क्या, और ये उसी बिलिरुबिन पे एक्ट एक्ट ओनली बिलिरुबिन प्रेजेंट इन स्किन, स्किन में जो बिलिरुबिन प्रेजेंट है उसी पर फोटोथेरेपी एक्ट करती, मतलब उसका एक्शन उसी पे होता है। अब ये जो है इंडिकेशन कब कराएंगे, जब जो है 12 mg/dL से प्री टर्म बेबी में इसकी मात्रा बिलिरुबिन की, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा 12 mg/dL से अधिक हो जाए। प्री टर्म बेबी में मैंने 9 महीना के पहले जो बच्चे होते हैं, और अगर टर्म बेबी में मतलब अगर 15 mg/dL से अधिक हो जाए अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा, या 24 घंटे में 5 mg/dL से अधिक बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाए, तो ऐसे केस में डॉक्टर तुरंत जो है वेट नहीं करते हैं, क्योंकि आपने देखा ना इधर क्या हो गया था, हो जाएगा तो फिर वो तुरंत जो है फोटोथेरेपी के लिए कह देते हैं फोटोथेरेपी कराइए। तो फोटोथेरेपी का प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर ये होता है कि फोटोथेरेपी मशीन आती है, फोटोथेरेपी मशीन आती है उसमें बच्चे को लिटा देते हैं, और ऊपर से लाइट जिसकी वेवलेंथ 450 nm से 490 nm होती है, और उसकी लाइट क्या होती है, ब्लू और ग्रीन की लाइट जो है इसी वेवलेंथ के अंतर्गत होती है, इससे वो लाइट निकलती है। ये लाइट ब्लू लाइट रेटिना के लिए और गोनाड के लिए हार्मफुल होती है, इस नाते जो आँख को कॉटन से ढक देते हैं और जो जननांगों को भी कॉटन से ढक देते हैं, और फिर जो है फोटोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट टाइम कितने दिन में फोटोथेरेपी से सही हो जाता है, टाइम लगेगा 1 से 2 दिन। हावर कितना देते हैं, 3 से 4 घंटे बाद देने के बाद उसको फिर आधा घंटा के लिए बच्चों को निकाल लेंगे, फीडिंग कराएंगे, मदर से कहेंगे फीडिंग करा दीजिए, फिर उसके बाद पुनः 3-4 घंटे के लिए डालेंगे, फिर जो है मॉनिटरिंग करेंगे बिलिरुबिन की एट ईच डे, मतलब हर डे जो है मॉनिटरिंग करेंगे, जो बिलिरुबिन की मात्रा नॉर्मल आ जाए तो फोटोथेरेपी बंद कर देंगे। लेकिन इसी फोटोथेरेपी में डाल के डॉक्टर लोग बहुत पैसा लूटते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो है अब ये ब्लू और ग्रीन लाइट करता क्या है, ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है जो स्किन के अंदर पीला पीला जो स्किन के अंदर दिख रहा है ऊपर से दिखेगा, उसका क्या करता है ये लाइट, उस बिलिरुबिन में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में जो स्किन के अंदर है उसमें जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसमें क्या करेगा, उस बिलिरुबिन में ऑक्सीजन को जोड़ेगा, किस मेथड के द्वारा, फोटो ऑक्सीडेशन के द्वारा, किस मेथड के द्वारा, फोटो ऑक्सीडेशन के द्वारा। तो जब फोटो ऑक्सीडेशन के द्वारा वो उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ये जो वाटर इनसॉल्युबल और हार्मफुल था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल और हार्मलेस में। जैसे आपने देखा होगा एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में जब कन्वर्ट होता है तो उसमें भी तो एक आइसोमर एल्डिहाइड है एक दूसरा, तो ये एक तरह से उसका आइसोमर चेंज कर देता है और ये फोटो ऑक्सीडेशन से हो जाता है, और उसके बाद हार्मलेस वाटर आइसोमर सॉल्युबल बिलिरुबिन बन जाता है। तो अब ये सॉल्युबल बिलिरुबिन हुआ तो ये स्टूल और यूरिन के रास्ते क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो बिलिरुबिन की मात्रा नॉर्मल आ जाएगी। लेकिन फिर भी अभी तो ब्लड में है, स्किन का तो पूरा निकल गया लेकिन ब्लड में है, इसी नाते उसको मॉनिटर करते हैं, और फिर लीवर को सपोर्ट के लिए, अब जो ब्लड में उसको भी कम करना है तो उसके लिए ड्रग देते हैं। तो उसके लिए ड्रग क्या देंगे कि उसके लिए ड्रग देंगे फिनोबार्बिटोन क्या होता है, ये फिनोबार्बिटल ड्रग है, ये जो है क्या करते हैं कंजुगेशन और एक्सक्रीशन ये दोनों बढ़ाते हैं, और ये फिनोबार्बिटोन सीजर के में भी काम आता है, मतलब फिनोबार्बिटोन जब देंगे तो सीजर भी कम होगा तथा कंजुगेशन भी लीवर के अंदर बढ़ेगा और एक्सक्रीशन भी बढ़ेगा। तो ये कितनी मात्रा में देते हैं, तो 2.5 mg/kg at every 12 hours। उसके बाद एक ड्रग होती है अर्सोडायल, अर्सोडायल जो होती है
ये ड्रग सामान्यतः बच्चों में नहीं दी जाती है, लेकिन बहुत विशेष परिस्थितियों में अगर कोई है तो दे सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ये एडल्ट में दी जाती है। ये क्या करती है, ये आप जानते हैं कि ये गॉल स्टोन को अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जेंडिस और हिपेटोसेलुलर जेंडिस में देते हैं, तो हिपेटोसेलुलर जेंडिस में देने के नाते डॉक्टर अपने आवश्यकता अनुसार इसको दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये दी नहीं जाती। इसका डोज है 13 से 15 mg/kg/day, और उसके बाद लीवर को सपोर्ट करने के लिए मल्टी विटामिन दिया जाता है। फिर इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं फोटोथेरेपी के, तो फोटोथेरेपी के कॉम्प्लिकेशन होते हैं स्किन रैसेज। भाई जब गर्मी लगेगी तो बच्चा खजुलाएगा तो रैसेज पड़ जाएंगे। लूज मोशन, अब अनकंजुगेटेड बिलरुबिन जो है वाटर सॉल्युबल हो गया, तो वो टॉक्सिक है, तो ब्लड से स्टूल के रास्ते निकलेगा, तो इस नाते लूज मोशन होके वो बॉडी का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म लूज मोशन के रूप में निकलेगा। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उस पे हीट जब मिलेगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा फोटोथेरेपी से। और हाइपरथर्मिया, इस नाते हाइपरथर्मिया से बचने के लिए 3-4 घंटे के बाद उसको मॉनिटरिंग करना पड़ता है, उस बच्चे को ब्रेक करके ये देना पड़ता है। अब अगर मान लीजिए कोई गरीब आदमी है बेचारा, वो नहीं करा सकता क्योंकि फोटोथेरेपी का खर्चा बहुत ज्यादा आता है, तो क्या करेगा उसके लिए मैं बता देता हूँ। ये मेरे बच्चे के साथ घटना घटी थी, तो जब तो मेरे मैंने घर पे ही बनाया था, तो उस समय 10 दिन से सूरज भी नहीं निकल रहे थे, और फिर फोटोथेरेपी करना था, तो उसमें क्या करते थे हम, क्या हमने क्या किया था, 40 वाट का यहाँ एक बल्ब लग 40 वाट का राड ले आते हैं। 40 वाट का क्या करेंगे, राड ले आएंगे, 40 वाट का राड ले आएंगे, उस पर ब्लू ट्रांसपेरेंट कलर की पन्नी चढ़ा देंगे, ब्लू ट्रांसपेरेंट, और 1.5 फुट इसकी कितनी, ये जैसे इसमें भी 1.5 फीट दूरी होती है, ये भी लगभग 40 वाट ही होता है, यहाँ भी 40 वाट का राड पर ब्लू पन्नी लगा देंगे, ट्रांसपेरेंट, उसको कुछ लिखा होगा नहीं, ब्लू कलर की पन्नी होगी, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट उसको लपेट देंगे इसी पर, एक एक फेरी नहीं कई फेरा लपेट देंगे, एक बार लपेट के उसको कायदे से कर देंगे। 1.5 फीट के नीचे बच्चे को आप अपने किसी पलंग पर लिटा दीजिए, और ऊपर कहीं सपोर्ट से ऊपर उसको लटका दीजिए कि बच्चा उसको पाए ना, और उसके आंख को, क्योंकि ब्लू लाइट रेटिना डैमेज करती है, इस नाते आंख को और गुनाट को ढक दीजिए, तो उससे फोटोथेरेपी हो जाएगी, आपका खर्चा भी बच जाएगा, और बाद में ये सब दवाई। इसी नाते लोग सामान्यतः बहुत लोग जो है जल्दी से जल्दी डॉक्टर के यहाँ से निकल जाते हैं, जिनको ये नहीं मालूम होता है। हमारे यहाँ क्या, जब मेरे बच्चे की जब डिलीवरी हुई थी, तो यही एकदम ठंडक की रिथ थी, 10-15 दिन जो है बिल्कुल जो है वो सूरज नहीं निकल रहा था, तो फिर न सूरज नहीं निकल रहा था तो सुबह का धूप भी नहीं दिखा पाते थे। अगर मान लीजिए फोटोथेरेपी ना हो तो सुबह की धूप दिखाइए, अब सुबह की धूप पता चला बादरी है तो सुबह की धूप धूप नहीं दिखा सकते, तो फिर मैंने यही अपने घर पे बनाया था, एक इतना बड़ा स्टैंड लाया था उस पर लगा के, और उसी पर नीचे बच्चे को सुला दिया। तो इसमें लगभग लगभग आपको सब जानकारी दे दिया है मैंने कि ड्रग भी कौन कौन सी चलेगी, किस मात्रा में चलेगी। ये जो है आपका इस तरह ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब ये जैंडिस अगर 4 से 8 mg/dL है तो ये फेस पर दिखाई देता है, कहाँ पे, फेस पे। अगर यही 5 से 12 mg/dL है तो अपर ट्रंक में, मैंने छाती पे दिखाई देगा। अगर यही जो है बिलिरुबिन की मात्रा 8 से 16 mg/dL है तो लोअर ट्रंक में, मतलब एब्डामेन में और थाई में। अगर 11 से 18 mg/dL है तो ये आर्म और लोअर लेग में दिखाई देगा। और अगर ये 15 mg/dL से अधिक है तो जो है तब ये जो है क्रिटिकल वैल्यू हो जाती है, इसका मतलब इसमें चिकित्सा करना जरूरी हो जाता है। तो ये बिलरुबिन अगर यहाँ पर हम जैसे इस वजह से बता दिए कि अगर कोई क्लिनिकली डॉक्टर देखे चेहरे पे है पे देखे, तो उससे वो अंदाज लगा सकता है बच्चे की सीवियरिटी, इस नाते इसको बताने लेवल बताने का मतलब मेरे यही है। दूसरी बात ये